गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऐसे उठ जाओ। ये स्कूल के लिए नहीं उठ रहा है, सोया है। क्या करे बच्चे, जिस सुबह से उठ रही हूँ इतनी सुबह में, कौन ठंडी मुठ्ठी जाएगा। लेकिन क्या करें, बच्चे को पढ़ना है और जाना है। मैं भी जल्दी जल्दी सारा खाना बना चुकी थी, क्योंकि एक सुबह 4 बजे निकल गए हैं। 5:40 से निकल जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, मैं भी उठ जाती हूँ। सारा खाना तो बन गया था, बस बच्चों का पास्ता रह गया था और मैं मॉर्निंग मॉर्निंग बना रही थी, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। 2 घंटे बाद खाना होता तो अच्छा, इसमें गरम गरम बना रही फिर से। तो जो है वो सूट नहीं रहा है, इतना सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने का नाम मन नहीं करता उनका। आज पहली बार बोल रहा है मम्मी मुझे नींद आ रही है, नहीं तो उसके जाने से क्या हो जाता। अभी चलो कि मैं उसको उठाऊँगी फ्रेंड्स, फिर मैं उसको इसको भेजूँगी। यही मेरा सुबह सुबह का रूटीन, और मैं आप लोगों को कल दिखाऊँगी वीडियो में कि मैं कितने बजे उठती हूँ और ये कितने बजे उठते हैं, कितना अंधेरा रहता है और कितने बजे चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में बना के, क्योंकि लेट हो रहा है, सुबह लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। मीठी रोटी नहीं खाता है, हल्का मसाला खाता है, हल्का नमक, हल्का तेल बना दिया है। यहाँ पर 5 चम्मच में डाल के रखा हुआ है, मैं बनाऊँगी और मैं उसे खाने के लिए जा रही हूँ खाऊँ, लेकिन ये रहेगा वो बहुत। मैं इसको ढक देती हूँ पकने के लिए, तब तक मैं हर्ष को पशु को उठाती हूँ। ये देखिए सोया है, मैं इसका पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ पे, नहाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ मैं। ये उठ जा मेरा बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हर्ष। उठा था सुबह, खेला है पापा के जाने से पहले, खेल उल के फिर मैं उसके पास गई, सो गई, तो हर्ष जो है फिर से सो गया। ये देखिए हर्ष फिर से सो गया। और यशु जी उठ जाइए, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मेरा शोनू बेटू, मेरा राजा बेटा, मेरे गुल्लू बेटो, उठ जाओ ना गुल्लू बेटो, उठ जाओ। हर्षू यशु स्कूल जाना है मेरे सोनू, देखो मुस्कुरा रहा है ये चुन्नी मेरा, मुस्कुराता ही जाएगा मेरा बेटा ना, रोता नहीं है मेरा यशु कभी, स्कूल जाने के लिए रोता नहीं है, सच्ची में जाने के लिए रोता नहीं है, चला जाता है। उठाऊंग हो जाएगा, दूसरे बच्चे कितना रोते कितना वो करते, इसलिए मुझे इस विश्वास रहता है कि उठ जाएगा। तो मैं टाइम से इसको उठाती हूँ, मतलब कोई वो नहीं रहता मुझे कि टाइम से उठाऊंगी तो भी चला जाएगा, क्या बात है। अभी मैं उसके लिए बना दी पास्ता, उसको पता नहीं है, मैं उसको दूंगी सरप्राइज, वो खुश हो जाता है। जबकि वो इतना मन से खाता भी नहीं था पास्ता, लेकिन स्कूल में बच्चों का देख के उसको मतलब पता नहीं क्या चस्का लग गया स्कूल में देख के, तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बोलेगा मम्मी आज पास्ता नहीं बनाई, मम्मी आज मैगी नहीं बनाई। नहीं तो ये सब खाता ही नहीं था, 5 साल का हो गया खाता ही नहीं था। लेकिन बच्चों का शौक होता है एक दूसरे का देख देख के, स्कूल में देख देख के इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या करें। कोई बात नहीं, बना रही हूँ, बना के अभी बताऊँगी सरप्राइज। तो खुश होकर उठ के स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए मैं मिलती हूँ इसको रेडी करके। ये बच्चों के लिए बिल्कुल लाइट पास्ता, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कैसे खाएगा ये बच्चा कैसे, ये मैं अभी इसको पकाऊंगी, अभी मैंने पानी डाला इसमें, अभी आप इसका कलर दिखिएगा बनने के बाद, ठीक है। ये बच्चों के लिए बिल्कुल सिंपल सा, मैं नुकसान करने के लिए टमाटर प्याज डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा हल्दी नमक और बस, और कुछ नहीं डाला, मिर्ची विर्ची कुछ नहीं डाला, लहसुन वहसुन कुछ नहीं डाला, धनिया वनिया मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि वो खाता नहीं, उसको पसंद नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आप इसे बना सकते हैं, बच्चों को पसंद भी आएगा और बच्चे बहुत मन से खाते हैं, यशु बहुत मन से खाता है। मैं आपको दिखाऊँगी, उठ चुका है, देखो मेरा बेटा उठ गया ना, और मैं इसको ले आई हूँ सरप्राइज दिखाने के लिए। अब आप लोग बता दो क्या सरप्राइज होता है यशु, क्या सरप्राइज बताओ तो। यशु क्या सरप्राइज है, पास्ता। इसको पता चल गया, क्योंकि इसको पता है कि इसका फेवरेट पास्ता और मम्मी वही बना रही है ना। यशु यशु को मालूम चल गया भाई। चलिए मैं इसको ब्रश करा देती हूँ रेडी करके, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। रेडी हो चुका है स्कूल के लिए, दिखाओ यशु, खड़े हो जाओ अच्छे से। यशु यशु रेडी हो चुका है स्कूल के लिए प्रॉपर, बस शूज पहनना है, अभी खाना खाएगा ये, अपना पास्ता खाएगा। और ये हर्षु सिंह भी उठ चुके हैं, यशु का पास्ता देखिए ऐसा है, ठीक है। ग्रेवी भी है, बच्चों को पसंद भी है, तो देखिए भी कलर कैसा हो गया दिखा, देखिए ये ऐसा है, ये आप लोग को ऐसा दिख रहा है, बट येलो येलो दिख रहा है मुझे, अभी आप लोग को इतना येलो नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए, बट जो मैं लाइट ऑन कर दूँ हो सकता है दिखे ना, देखिए ऐसा दिख रहा है लाइट ऑन करने के बाद, हाँ ऐसे है, बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा था। तो मैंने जस्ट अभी वो कर दिया है, फटाफट जो है बना दिया है। अभी यशु इसको मांग मांग के मुझे खाता है, और भी मांगे खाता है कि मम्मी मुझे और चाहिए। देखिए गरम गरम तैयार है ग्रेवी के साथ, बच्चे पसंद करेंगे ना, तो ऐसे ही सिंपल सा बना के आप लोग बच्चों को खिलाइए, नुकसान भी नहीं। और मैंने कब अच्छे से पका दिया, इसको एकदम अच्छे से पकाया इसलिए ताकि बच्चे को पच जाए, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखिए ये था ना पूरा, ये है ना पूरा, देखिए ये देखिए दो टुकड़े में हो गया, आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक जाता है, बहुत ईजिली पका देती हूँ मैं। देखिए ये है ना, देखिए बहुत अच्छे से पका, ताकि यशु को नुकसान भी नहीं करेगा, यशु खाएगा इसे देख कितना खुश होता है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ,
मैं लाइट ऑफ कर। हाँ ये सुन लो, ये तो क्या है, बहुत गर्म है। हाँ थैंक यू नहीं बोलोगे मम्मा को? मम्मी बहुत गर्म है। थैंक यू नहीं बोलोगे मम्मा को? अरे पंखा नहीं चलाना, मैं भी अभी कर देती हूँ, मैं ऐसे फूक फूक के कर दूंगी ठंगा ना। आओ बैठो, ये दोनों भाई की मस्ती देखो। ये लो अपना पास्ता, अभी खिलाऊंगी मैं अपने यशु को, भी मोबाइल चलेगा तब ये खाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों को बाद में, यशु को स्कूल भेजने के बाद, हो सकता है मैं स्कूल जाते वक्त इसका वीडियो बनाऊँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए यशु को इतना पसंद है, अभी मैं इसको मोबाइल चलाऊंगी तब जाके खाता है सुबह सुबह, मुझे स्कूल भेजने की चक्कर। दोनों भाई की मस्ती शुरू हो गई, यशु नहीं मस्ती अब नहीं करना है। लेकिन अपना देखो यशु तैयार हो चुका है, यशु खा चुका है। मतलब कैसा था यशु? टेस्टी था, इसको पता नहीं तीखा लग रहा था, पता नहीं क्योंकि उन्होंने मिर्ची भी नहीं डाली थी। टेस्टी था यशु, बताओ मसाला डाली थी ना? थोड़ा सा। चलिए मैं मिलती हूँ इसको स्कूल भेजने के टाइम। ये खा चुका है, तैयार हो चुका है, फटाफट खा। हनुमान जी को नहीं लगाया, नहीं उठाया गया क्योंकि साईनाथ जी को उठाया गया। मैं पहली बार ऐसा मंदिर में देख रही हूँ कि सब भगवान जी को देखिए कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है। देखिए शंकर भगवान जी को ठंडी नहीं लग रही, सबको लग रही है। मैंने इनको देखा था कि बाल गोपाल जी को, इन लोगों को स्वेटर पहनाया जाता है, लल्ला जी को, कन्हैया जी को, जो लाल गोपाल है, लड्डू गोपाल सब बोलते हैं। लेकिन मैंने ये भगवान ने इनको नहीं देखा था, इनको आप लोग भी देख लीजिए, सबको स्वेटर साल पहनाया गया। जैसे हनुमान जी को नहीं पहनाया गया, इन हनुमान जी को नहीं पहनाया गया, इन हनुमान जी को पहनाया गया। चलिए जिसकी जैसी आस्था वैसा वो लोग करते हैं।